हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे घिया और चने की दाल की रेसिपी। चने की दाल और घिया को अच्छे से साफ़ करके कुकर में बॉयल होने के लिए रख देंगे। 5-6 सीटी के बाद हमारी दाल अच्छे से बॉयल हो चुकी है। कढ़ाई में ज़ीरा, हींग, तेज़पत्ता, मेथी दाना, साबुत लाल मिर्च डाल के प्याज भी हम इसमें ऐड करेंगे। फिर अच्छे से लाल होने तक भूनेंगे। टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसको अच्छे से चला लेंगे। नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब डाल करके हम इसको अच्छे से चलाएंगे। फिर 5 मिनट तक भूनेंगे कम आँच पर। फिर थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। अब हम इसमें पानी को ऐड करके 5 मिनट के लिए ढक के अच्छे से पका लेंगे ताकि टमाटर हमारे गल जाए। 5 मिनट के बाद हम इस चेक करेंगे कि मसाला हमारा अच्छे से तैयार है, मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और टमाटर जो भी थोड़े बहुत खड़े थे वो हम करछी की सहायता से उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर हम इसमें जो हमने दाल बॉयल करी थी घिया और चने की, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 2 मिनट चला लेने के बाद दाल हमारी पक के तैयार हो चुकी है। फिर हम इसमें ताज़ी हरी धनिया डाल के सर्व करेंगे।